हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, ये जो वीडियो हमने अभी ग्रुप में सेंड किया है, इसका शेयर करने का एक ही बस मकसद है कि जो भी माता पिता अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, तो आप ये जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं एक बच्चे की लाइफ में या अपनी लाइफ में, ये ना करें। क्योंकि आप सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल यदि समझने की कोशिश करें तो आपके इर्द गिर्द डे बाई डे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जैसे आप, मैं इस अपने एक ही हाथ की उंगलियों की बात करूं तो आप देख रहे हैं ये कोई भी उंगली इसमें सेम नहीं है, यानी कि हर एक उंगली का उसके कार्य के अनुसार उसकी साइज, उसकी मोटाई, उसकी जो बनावट है वो सब अलग अलग है। वैसे ही हर एक स्टूडेंट, हर एक माता पिता का जो बच्चा होता है वो अपने अलग अलग स्किल के साथ वो इस दुनिया में क्या करता है, जीवन में आगे जाता है। तो कभी भी किसी दूसरे स्टूडेंट से या किसी दूसरे के बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर ना करें, आप सभी से यही गुजारिश है। दूसरी बात कि हाँ, कंपैरिजन गलत नहीं है, लेकिन कंपेयर अपने ही बच्चे से करें कि कल मेरा बच्चा या एक महीने में पहले मेरा बच्चा क्या चीज़ें सीखा था, और आज एक महीने बीत गए तो क्या चीज़ सीखा, और अगले आने वाले एक साल में वो क्या क्या चीज़ें सीख उसको सिखाना है, क्या क्या चीज़ें करवाना है। तो उस बच्चे की बीती हुई चीज़ों से कंपेयर कीजिए, लिस्ट बनाइए। यदि कंपेयर करने का बहुत अच्छा लगता है आप सभी को, कंपेयर करना कि अरे यार उसका लड़का ये कर लिया, इसका ये कर लिया, वो इतना तेज है, वो इसका व्यवहार ऐसा है, कंपेयर कीजिए, लिस्टिंग कीजिए, 5 मिनट टाइम निकालिए। आप केवल कमाने में, उसको केवल खिलाने में टाइम बर्बाद कर देंगे तो फिर उसको गाइडलाइंस कौन देगा। हम टीचर तो 1 घंटे 2 घंटे उनके साथ रहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, कैसे पॉसिबल है। क्योंकि बच्चों के पास एनर्जी तो फुल होती है लेकिन उनके पास मैच्योरिटी नहीं होती है कि क्या गलत है क्या सही है उसको। लेकिन हम लोग मैच्योर हो रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं कि बेटा ये चीज़ें मत करो, ये ऐसे करो। कंपैरिजन कीजिए, लिस्टिंग कीजिए, लिस्ट बनाइए कि बेटा पिछले महीने आपको ये चीज़ें आती थी, आपकी ये गलत आदतें थी, लेकिन अगले महीने ये नहीं होनी चाहिए। बेटा पिछले टर्म में आपने इसी सब्जेक्ट में इतनी मार्क्स लेके आए थे लेकिन अगले टर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे से कंपेयर कीजिए, किसी दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है किसी के लिए भी। यदि आप खुद सोचिए कि क्या आप जहाँ भी काम करने जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, यदि आप अपनी कंपैरिजन किसी दूसरे से करेंगे तो जो आपकी हैप्पीनेस है, आपने जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक आप पहुँचे हैं, ठीक, वो सब के सब जीरो हो जाएगी। लेकिन जो आप अपने आप से कंपेयर करेंगे कि आप कहाँ थे और आप आज कहाँ पर हैं इतनी मेहनत के बदौलत, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। बस आपसे यही गुजारिश है, धन्यवाद।